ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਪੱਟੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਟੈਸਟ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਿਕਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਸੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹ ਲੈਚੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਫਵਾਹ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 5 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਕੰਬੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵੰਡੇ ਲੱਡੂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਕਨਿਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ एक पासे जिथे कोरोना नू लोकां ने मजाक समझ रख्या उत्थे ही यह पूरी देश दुनिया च अपने पैर पसार रहा लोकां नू अपनी जकड़ च लै रहा चारे पासे दहशत है कोरोना दा खौफ है हुण बॉलीवुड दी मशहूर गायिका कनिका कपूर कोरोना दा शिकार हो चुकी है जिस कारण संगीत जगत च हड़कंप मचिया होया जी हाँ कनिका कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है दसना बंद है कि उसनू लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हस्पताल च आइसोलेशन वार्ड च रखा गया है वह कुछ दिन पहला ही लंडन तो वापस आई सी उसने कोरोना वायरस होने की गल नू लुकाया ते शहर के एक वड्डे होटल च ठहरी जिथे उसने डिनर पार्टी भी की बेबी डॉल में सोने की गीत तो सुर्खियां चाई कनिका हुण कोरोना वायरस कारण सुर्खियां च वायरस का कहर लगातार वाधा जा रहा है इस तो कोई भी व्यक्ति आम जा खास बच नहीं पा रहा कोरोना अपना जाल होर भी मजबूत करता जा रहा है पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कोरोना कारण 31 मार्च तक इंटरनेट बंद करने की खबर नू फेक घोषित किया कैप्टन ने लोगों नू अफवाहों ते ना विश्वास करने की अपील करदिया अफवाह फैलाउण वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दित्ती पूरे संसार के नाल पंजाब च कोरोना वायरस से दहशत मचा रखी है नित मरीज के शक्की मरीज सामने आ रहे हैं इतों तक मौतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है इस दहशत नूं होर तेज करन दा काम कर रही ने कुछ शरारती अंसरां वल्लों फैलाईयां अफवाहां बीते कई दिनों तो एक खबर सुर्खियों च बनी हुई है जिस च लिखा हुआ है कि पंजाब च 31 मार्च तक इंटरनेट सेवावां बंद रहनगियां अते इह हुक्म मुख्यमंत्री का है जदों इस बाबत कैप्टन साहब नूं पता लग्या तां उह भड़क उठे ते उन्होंने इस गल की पुष्टि कर दी कि अजिहा कुछ नहीं कैप्टन साहब ने अपने ट्वीट के जरिए इस नूं एक अफवाह घोषित किया देखो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को अपील की है कि वह अफवाहों वाली जानकारी से विश्वास न कर नाल ही अफवाहों और झूठिया खबर फैलाने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी उधर सोशल मीडिया से तेजी नाल फैल रही अफवाह के चाह इलायची अदरक मिला के कोरोना तो बचा जा सकता जिस दे विच श्री हजूर साहब का नाम भी कलंकित किया जा रहा हुण हजूर साहब के आगू ने स्पष्टीकरण दिंदे इस नूं अफवाह घोषित किया पिछले कुछ क दिनों तो सोशल मीडिया से एक अफवाह अग वांग फैल रही है जिसनू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया दिया होरना वैबसाइटा राही लोगों विच पहुंचाया जा रहा है अफवाह मुताबिक कोरोना वायरस लई तख्त श्री हजूर साहिब तो एक फरमान जारी किया गया है जिस विच कहा गया है कि चाह
लौंग, इलायची और अदरक मिला के कोरोना तो तुहानू बचाया जा सकता है। जिस तो बाद लोका ने इस अफवाह नू आपो अपने तरीके नाल वॉइस मैसेज अते टेक्स्ट राही लोका तक पहुंचाना शुरू कर दिता। जदों यह खबर अग वांग फैल गई तां तख्त श्री हजूर साहिब दे आगू सामने आए अते स्पष्टीकरण दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगतां नू दास वालों हाथ जोड़ के बेनती आ वी कुछ लोग कोई गुमराह कर रहे आ भी हजूर साहब वाले ने बड़े प्रदे स्थान तो किसी नूं कहा वा मतलब गुमराह कर रहे साढ़े नाँ के गुमराह कर रहे आ भी अदरक नचोड़ के ते चाह पत्ती पता नहीं रला रलू के की करोना दे ली पीओ बाकी ये कुछ नहीं सिर्फ नाम जपो ये किसी साजिश आ इस ते कोई ना आयो इन्हां गल्लां ते किसी दियां वी ते हाथ जोड़ के सारिया संगतां नूं बेनती आ भी ये असी तो सिर्फ नाम नाल जोड़ते हैं तो नाम ही वड्डी दवाई आ सारिया बीमारिया की इस गल्लां ते कोई भी संगत ना आवे दास वालों हाथ जोड़ के बेनती है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोई भी संगत गुमराह ना हो इन चीज़ों पर भी अदर कुदरत का कोई मतलब नहीं साडा इन गल कोई लिंक नहीं साडा इन चीज़ों। संगरूर च कोरोना के एक दिन के इकट्ठे पांच मरीज सामने आने नाल दहशत का माहौल बनया होया जिन्हां नूं संगरूर के हस्पताल विच रख्या गया। दस दईए कि भारत च कोरोना के मरीजों की गिनती 250 का अंकड़ा पार कर चुकी है। संगरूर च उस समय दहशत का माहौल बन गया जदों कोरोना के एक नहीं दो नहीं पूरे पांच शक्की मरीज सामने आए। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते संगरूर च एक दिन च पांच शक्की मरीज सामने आए ने जिन्हां नूं आइसोलेशन वार्ड च रखा गया। तुहानूं दस दिने आ कि जो मरीज सामने आए ने उन्हां चो दो भवानीगढ़ एरिए दे ने जो महाराष्ट्र के हजूर साहब तो यात्रा करके वापस आए सी अते तिन्हां दी विदेश हिस्टरी सामने आई है। इस बाबत पूरी जानकारी दी है संगरूर दे सिविल सर्जन राज कुमार ने। साढ़े को इस वेले तीन शक्की मरीज सिविल अस्पताल संगरूर विच दाखिल हैं। दो मरीज साढ़े को शक्की सिविल अस्पताल सुनाम विच दाखिल हैं। एक मरीज साढ़े को मूनक विच है जिसनों के असी सिविल अस्पताल संगरूर विच शिफ्ट करवा रहे हैं। एक तीन मरीज जिहड़े संगरूर दाखल हन उन्हां दे विच्चों एक दा असीं सैंपल लै के टैसट करन लई पटियाले भेजिया है बाकियां दे हजे कोई सैंपलिंग नहीं कीती। कोरोना वायरस कारण कैप्टन प्रशासन काफ़ी सख्त नज़र आ रहा। बठिंडा च एक विआह समागम दौरान जुटी 300 लोगों की भीड़ कारण पुलिस ने पैलेस मालक ते उसके बेटे खिलाफ़ धारा 188 336 का मामला दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। नाल ही सरकारी उद्देशों की उलंघना करने वालों नूं चेतावनी भी दित्ती। पंजाब सरकार की हिदायत आई हैं कि भी जिथे कि भी पब्लिक प्लेस हैगा जिथे मैरिज पैलेस हैगा उत्थे 20 तों वध लोकां दा इकट्ठ नहीं होगा। तो इस हिदायतों के बिल्कुल उल्ट हो के ग्रैंड विवान मैरिज पैलेस है जिन्हें इतने एक विआह का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया सीगा ते उस ते लगभग घट्टो घट 250 बंदे लगभग कट सीगा जी सानू इनफॉर्मेशन आई तो असी अपने थानेदार नूं भेज के मौके पर तो उन्हां दे खिलाफ़ बनती कार्रवाई की है। इस से असी पैलेस का जिहड़ा मालक सीगा ओदा ते ओदे बेटे दा जिहड़े मालक ही सीगा आपकी ओदे ते हर सख्त कार्रवाई की है। सर लगता नहीं भी जिहड़े मैरिज कर रहे सीगे उन्हां परिवारां दा कितना कितने कसूर तां बंदा ही बिल्कुल है। असी मौके जाके उन्हां दी ताड़ना की असी इन्वेस्टिगेशन वेखांगे भी किहदे वल्लों ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कीती गई भी इत्थे इत्थे विआह कराया जाए जो उन्हां दा कसूर बनूगा तो उन्हां खिलाफ़ ही कार्रवाई की होगी। फिलहाल कोई गिरफ्तारी किन्ने बंदे हुई सर? इन्हां चों एक बंदा गिरफ़्तार कर लिया तो बेटा सीगा ऋषभगर उहदे खिलाफ़ असी गिरफ़्तारी कर ली। नवजोत सिद्धू के यूट्यूब चैनल जितेगा पंजाब ने चारे पासे तैलखा मचा विरोधियों दियां भाजड़ां पवा रखियां ने। बीजेपी पंजाब सकत्तर राजेश हणी ने सिद्धू ते धावा बोलदिया कहा कि सिद्धू हुण लोकां तों मिलण तों डरदे ने इसलिए ही वह अपने घर च बैठ के कैद होए यूट्यूब चैनल ते मनचाहियां गल्लां बोल रहे ने। मैं समझता वा कि जागो पंजाब जिहड़ा उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने चैनल जिहड़ा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है उस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू नूं आप जागना चाहिए हैगा है। वो हल्के दे विच अज तक अपने जिथों विधानसभा चुनाव लड़े से उत्थे वड़े नहीं उत्थे गुमशुदा ने। उन्हां दी श्रीमती उस तो पहला हल्के दी विधायक रह चुकी है। उन्हें उत्थे व्यापक तौर दे उत्ते भ्रष्टाचार किया सी और स्थानीय निकाय मंत्री हुंदे होए भी नवजोत सिंह सिद्धू उसकी जाँच नहीं करवा सके। ये लोग
ਯੋਗ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਪਈਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਦ ਨਰਵਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਲਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
इस सन हुण तक दीआं खबरां ताज़ा तरीन खबरां लैके फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई मैनू दिओ आग्या, सति श्री अकाल। चकदी टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।